हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में ब्राउन अनियंस कम से कम तेल में किस तरह फ्राई करते हैं दिखाने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस तरह ऑनियन को पतला पतला स्लाइसेस में काट के निकाल लेना है। काटने के बाद ऑनियन को इस तरह अलग कर लेना है जैसे वीडियो क्लिप में दिखा रही हूँ। इस तरह 4-5 ऑनियन को काट के अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई पे थोड़ी सी ऑयल डाल देना है। ऑनियंस को तलने की जरूरत नहीं है, इस तरह करने से आपका ऑनियन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ऑनियन को डाल देना है। ऑनियंस को हाई फ्लेम रख के फ्राई कर लेना है। ऑनियंस के अंदर से जो पानी निकलेगा वो पानी पूरी तरह से एवोपरेट होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनियंस थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और धीरे धीरे कलर भी चेंज होने लगा है। इस वक्त में गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में एडजस्ट करके फ्राई कर लेना है। इस तरह पास में रह के कंटिन्यूसली चलाते रहना है। यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है। इस तरह कंटिन्यूसली चला के इवनली फ्राई कर लेना है। इस कलर में आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है, फिर इन्हें तुरंत निकाल लेना है। नीचे उतार के कलछी के मदद से इस तरह एक्स्ट्रा ऑयल को निचोड़ लेना है, फिर एक टिश्यू में डाल देना है। इस तरह फोक की मदद से इन्हें अलग कर लेना है, फिर इन्हें रूम टेम्परेचर में पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। हमारा फ्राइड ऑनियन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये फ्राइड ऑनियंस इस तरह दम बिरयानी के लिए यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक दम बिरयानी। इस तरह बना हुआ ऑनियंस को एक महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप सुन सकते हैं इसका आवाज, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो गाइस, आपको मेरे ये वीडियो कैसी लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।